संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा कर रहे हैं आपको हमारी वीडियो कुछ ना कुछ लाभप्रद अवश्य रह रही होंगी। अर्थशास्त्र का क्रम से हम अध्ययन करते चले जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इस अर्थशास्त्र को खत्म कर दिया जाए। इसको बड़ा कठिन समझा जाता है, तो उसी में लगे हुए हो सकता है आपकी थोड़ी सी समझ में कम आ रहा हो, या अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। कम समझ में आ रहा है तो भी उसको बताएं क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ पा रही है। विधि अगर आपने समझ ली फिर इसके बाद इसमें कुछ बचता ही नहीं है, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। आज विधि का हम तृतीय हिस्सा देखेंगे, तृतीय वर्गीकरण देखेंगे, और जो तृतीय वर्गीकरण भी थोड़ा सा विस्तृत है तो इसको मैंने दो भागों में विभक्त कर दिया, अब मैं बताऊँगा आगे। तो आज एक भाग देख लेंगे, उसका जो एक हिस्सा बचेगा उसको अगले भाग में देखेंगे, क्योंकि उसके भी हिस्से कर दिए गए हैं। तो थोड़ा सा चलते हैं इस पर, बात साफ होती चली आए आपकी नज़र में। विधि है, अभी तो हम विधि को ही जान रहे हैं, ठीक है। इसका है तृतीय प्रकार, विधि का हम तृतीय प्रकार जानने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें स्याही देख लेता हूँ डाल के। अब इसकी स्याही ठीक हो गई है। तो ये तृतीय प्रकार है, इसमें तीन भागों में इसमें विधि को बांटा गया है। पहले में भी तीन था, दूसरे में चार, और इस तृतीय में भी तीन ही है। प्रथम है नियम विधि, ठीक है, और दूसरा है इसमें अपूर्व विधि, तीसरी है परिसंख्या विधि। नियम विधि, अपूर्व विधि, परिसंख्या विधि। परिसंख्या विधि को हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसमें बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और इसको समझना कठिन हो जाता है, तो परिसंख्या विधि के लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। आज हम नियम विधि और अपूर्व विधि को विस्तृत में जानेंगे, उसके बाद इसमें से एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो नियम विधि में बोला गया है, नियम विधि इसमें बोला गया है नाना साधन साध क्रियायाम एक साधन प्राप्त ताव प्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधिर नियम ठीक है। इसमें जो बोला गया है उसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। इसमें नाना साधन साध क्रियाम एकम, एक साधन प्राप्तौ अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधि नियम विधि। इसका जो उदाहरण दिया है वो दिया है यथा व्रीहीन वहंती, ठीक है। इसको अभी थोड़ा समझने के लिए एक श्लोक है, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि आधा हिस्सा इसका उसमें समझाने का प्रयास किया है। तो मैं उसको श्लोक को लिख देता हूं, उसके बाद सारी प्रक्रियाओं को एक साथ समझाने का प्रयास करूं। इसमें बोला गया है
विधिर अत्यंतं प्राप्तौ नियमः पाक्षे सति। ठीक है, फिर बोला गया इसमें तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्या परिसंख्येति। परिसंख्येति गीयते। विधिर अत्यंतं प्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति। अन्यत्र च, ठीक है, च अन्यत्र च प्राप्तो परिसंख्ये इति गीयते। ये इसमें श्लोक बोला गया है। अब इसमें जो दी है ये प्रथम विधि हो गई, दूसरी हो गई आपकी अपूर्व। विधि, ठीक है, और तीसरी है परिसंख्या विधि। अब थोड़ी सी बातें जान लें। अपूर्व विधि है उसमें इस श्लोक का इतना हिस्सा आता है यहां तक, इसको अपूर्व विधि के अंतर्गत रखा जाता है। विधि अत्यंतम अप्राप्तौ ये श्लोक है, इसमें तीनों विधियों के बारे में, दोनों विधियों के बारे में बताया गया है और थोड़ा सा हिस्सा ये तीसरी विधि, अर्थात तीनों विधियां इस श्लोक के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये बताया गया है ये अपूर्व विधि के अंतर्गत इसमें हिस्सा आया है। विधि अत्यंतम अप्राप्तौ अर्थात जो अत्यंत रूप से अप्राप्त हो उसका विधान करने वाली विधि अपूर्व विधि के नाम से जानी जाती है, ये इसका अर्थ है। नियमा पाक्ष के सति, इसमें जो बोला गया है इसी पे लिख देता हूं यहां पर, पक्षे अप्राप्ते प्रापको विधिर नियम विधि। ठीक है, पक्ष अप्राप्ते प्रापको विधि नियम विधि, पक्ष अप्राप्ते प्राप्त नहीं अप्राप्तस्य, ठीक है, अर्थात बहुत सारे विकल्प हैं पक्ष में लेकिन कोई पदार्थ है उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है या किसी के द्वारा कोई विधान करना है उसका अभाव है, अप्राप्त, वो अप्राप्त है, तो उसका विधान करने वाली जो विधि होती है वो नियम विधि कहलाती है। ये इसके अनुसार अर्थ है। ये इसका जो व्याख्या की है इस श्लोक की ये लोवाक्षी भास्कर जी ने की है। ठीक है, इसको याद रखना है, कभी कभी ये पूछ लिया जाए कि इसकी जो व्याख्या है लोवाक्षी भाषा के अनुसार बताइए, तो आपको याद रखना है लोवाक्षी लोवाक्षी भास्कर जी के अनुसार ये व्याख्या है। अब जो बचती है वो बचती है तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परसंख्ये गीयते। ये परसंख विधि के अंतर्गत प्रयोग की जाती है ज्यों की त्यों। इसमें जो बोला गया है उसका अर्थ है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि इसको मैं अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा, तो इसको थोड़ा सा जानते चलें। इसमें बोला गया है तत्र च अन्यत्र च प्राप्तो परसंख्येति गीयते, अर्थात जैसे यहां पे बोला था अत्यंत अप्राप्त जो पदार्थ है उसका विधान करने वाली विधि अपूर्व विधि कहलाती है, लेकिन विकल्प में प्राप्त हो अर्थात पक्ष में अप्राप्त हो, विकल्प में जो हो वो अप्राप्त हो, बताऊंगा क्या चीज है विकल्प,
उसका विधान करने वाली विधि नियम विधि कहलाती है, उस पदार्थ का विधान करने वाली विधि नियम विधि के नाम से जानी जाती है। ये कह रहे हैं कि लेकिन दोनों पदार्थ एक साथ प्राप्त हों, जहां लेकिन एक का, एक पदार्थ का निवृत्तिकरण किया गया और उसको निवृत्त कर दिया गया हो, एक का, उसका नाम परिसंख्य के नाम से, परिसंख्या के नाम से जानते हैं, अर्थात वो परिसंख्या विधि जानी जाती है। ये इसका अर्थ है। इसको अभी भूल जाइए, आप याद कर लें इस लोक को, तो ये अपने आप से समझ में आ जाएगा। अगले समय में जैसी वीडियो बनाएंगे तो परिसंख्या का बहुत विस्तृत है और इसको थोड़ा समझना कठिन भी पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि इसमें विधि है, दोष है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसको समझेंगे। अब चलते हैं हम थोड़ा सा अपूर्व विधि पर। अपूर्व विधि में एक परिभाषा और है, इसी की व्याख्या है, ठीक है। इसमें बोला गया है प्रमाणानंतरेण प्राप्तौ प्रापको। विधिर अपूर्व विधि, प्रमाणांतरेण प्राप्तस्य, इसको देखते हुए प्राप्त कर दिया, प्रमाणांतरेण प्राप्तस्य प्रापको विधि अपूर्व विधि। अब इसमें दो दो चीजें हो गई, प्रत्येक की एक ये हो गया परिभाषा इस विधि की, दूसरी ये हो गई। ऐसे ही अपूर्व विधि की एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई। आपको याद रखना है केवल पक्षे सती आ जाए, पक्ष के सती आ जाए, तब वो नियम विधि के अंतर्गत ही आपको रखना है। कभी भी परीक्षा में आ जाए नियम शब्द ना, पक्ष के सती इतना आ जाए तो याद रखना है कि नियम के लिए, ये नियम विधि के लिए बोला गया है, केवल इतना भी इसको ध्यान रखना विशेष रूप से। ये तो इसकी व्याख्या है, लोग अक्षी जी भास्कर हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या की है। आप थोड़ा सा समझते चले पूरी चीजों को, अब तक कितनी समझ में आई हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब एक एक चीज को मैं समझाता चलूं आपको समझ में आ जाएगा। नाना साधन साध्य, यानी कोई साध्य है, साधन और साध्य, ये दो चीजें मैंने बताई थी आपको। साध्य वो होती है जिसको करना चाहते हैं, कोई कार्य को साध्य मान लीजिए, कोई कार्य करना है वो साध्य हो गया। साधन जिसके द्वारा कार्य किया जाता है या करण, ठीक है, करण साध्य आपको याद रखना है। तो कह रहे हैं कि नाना साधन, यानी कि वो साधन, उस क्रिया को करने के लिए जो साधन है वो बहुत से साधन हो, तो क्रियायाम एक, लेकिन क्रिया के लिए एक ही साधन अप्राप्त हो, और जिस क्रिया को एक ही के द्वारा किया जा रहा है लेकिन करना, जिसको कराना चाहते हैं वो क्रिया में अप्राप्त है। अर्थात उदाहरण देंगे, इसमें कोई क्रिया है उसको कर रहे हैं दूसरी क्रिया से, लेकिन जिससे करना चाहिए वो अप्राप्त है, तो उस अप्राप्त का, अप्राप्तस्य अपर साधनस्य, उस अप्राप्त साधन का बोध कराने वाली विधि नियम विधि के नाम से जानी जाती है। समझ में आ गया होगा। एक बात और बताता चलूं, क्रिया है, किसी क्रिया को करने के लिए बहुत सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन जिस साधन से वो क्रिया की जा रही है उससे ना करा के हम वो किसी और से कराने का विधान करती है ये क्रिया, किसी और से, मान लीजिए साधन है, किसी साधन से क्रिया की जा रही है, या डर है कि इस साधन से इस क्रिया को ना कर दिया जाए, ऐसा ना करके जिस साधन से वो करना चाहते हैं उस साधन की, इस साधन को, लेकिन वो अप्राप्त है, उस साधन का ही विधान जिस विधि के द्वारा किया है वो नियम विधि कहलाती है। नियम हम जानते हैं, नियम क्या है, बहुत सारी चीजों में से सारी चीजों को हटा करके कुछ निश्चित चीज को निश्चित कर देना ही नियम कहलाता है। तो ऐसा ही यहां है, यहां साधन बहुत सारे हैं, उनको सबको हटा करके केवल एक साधन की व्यवस्था एक क्रिया के लिए की कर दी गई है। उदाहरण,
यही उन्होंने बोला है पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधि, यानी पक्ष है, विकल्प है बहुत सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनसे सभी से क्रिया की जा सकती है, लेकिन जिससे क्रिया करानी है उसको बताने वाली, जिस साधन से, जिस कारण से क्रिया करानी है उस साधन को, उस कारण को बताने वाली विधि का नाम नियम विधि है। अब आशा करूंगा आपको ही समझ में आ गई होगी। उदाहरण देख लेते हैं। व्रीहीन बहंती, ये इसमें उदाहरण है। व्रीहीन बहंती का मतलब क्या है? धान कूटे जाएं। अब ये धान है, धान कूटे जाएं, तो धानों को अर्थ इसमें सही से समझ में आपका आएगा नहीं। धान क्यों कूटे जाएं? क्योंकि धान से कूटने से उसकी जो भूसी होती है वो अलग हो जाती है और चावल उसमें से निकल आता है, इसलिए धान कूटे जाएं। लेकिन यहां धान कूटे जाएं ये बोला क्यों गया? वो इसलिए बोला गया क्योंकि चावल को निकालने की बहुत सारी विधियां मौजूद थी, बहुत सारे साधन मौजूद थे। हो सकता है कुछ लोग मिल करके उसको नाखूनों से ही उसके छिलके अलग करने लग जाए, वो समस्या हो जाती, बहुत समय लगता है उसको, जो भी समय लगता हो या उनका जो भी कारण रहा हो। विधि का मतलब है आपको नाखूनों से उसको हटाना है, अर्थात उस क्रिया को नहीं, उस साधन के द्वारा नहीं करना है। कुछ लोग पत्थर से लेकर के कूट सकते हैं, उसको भी नहीं करना है। कुछ मूसल के द्वारा कर सकते, जिससे आप कराना चाहते हैं उसका विधान करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम नियम विधि है। तो यहां पर जो ब्रीहीन बहंती का मतलब है कूटा जाए, तो कूटना यानी अवघात जो प्रयोग किया गया है, अवघात से तात्पर्य चोट करना, ओखल में डाल करके उसको धनकुटे से जो कूटा जाता है, मूसल से जो कूटा जाता है, उस अवघात के लिए यहां पर व्यवस्था दी गई है ब्रीहीन बहंती, ना कि उसको चावल निकालने के लिए। यह बस याद रखना है, ठीक है? तो हमको इसको याद रखना है, चावल निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन कूटने की विधि से ही उसको चावल को अलग करना है, निकालना है, ये इसमें व्यवस्था है। तो कूटने की विधि, अवघात का यहां विधान किया गया है, चावल को या भूसी को अलग करने की व्यवस्था को इसमें नहीं बताया गया, इसको विशेष रूप से याद रखना है, ये नियम विधि के अंतर्गत। अब अपूर्व विधि की बात करते हैं। अपूर्व विधि को हम जानते हैं उत्पत्ति या केवल विधि, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। अपूर्व विधि, विधि अत्यंतम अप्राप्तम, जहां अत्यंत रूप से कोई चीज, कोई पदार्थ अप्राप्त हो उसका विधान करने वाली विधि को अपूर्व विधि के नाम से जाना जाता है। प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापको विधि अपूर्व विधि, अर्थात प्रमाणों से भी जो अप्राप्त हो, अर्थात प्रमाणों के द्वारा भी जिस पदार्थ को न जाना जा सके उसका विधान करने वाली विधि अपूर्व विधि के नाम से जानी जाती है। उदाहरण, वही उदाहरण इसमें है, यजेत स्वर्ग कामा, अर्थात स्वर्ग फल याग का जो विधान है, स्वर्ग फल याग का जो विधान है वो अपूर्व विधि के द्वारा ही किया जाता है। मैंने इसके बारे में एक दो बार और बताया है, उत्पत्ति विधि में भी आई है ये चीजें। इसका विधान किसी भी प्रमाण के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता स्वर्ग के बारे में, तो उसका विधान जो करने वाली विधि है उसका नाम अपूर्व विधि है, ठीक है? अब आती है परसंख्या विधि। तो दोनों विधियां आपको उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होंगी, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बाद बाकी तो सब ऐसे ही बहकाया गया है पूरा, बहुत डिटेल में किसी चीज को बहुत लंबा खींचा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। परसंख विधि है तत्र च अन्यत्र च प्राप्तो प्रसंग गीयते, अर्थात जहां दोनों ही पदार्थ प्राप्त हों एक साथ, लेकिन एक से निवृत्ति का जो विधान करे या जो विधि बतलाए वो प्रसंग विधि के नाम से जानी जाती है, ये इसमें व्याख्या है। प्रसंग विधि को और विस्तृत जानने के लिए हम अगली वीडियो तक इंतजार करेंगे, और आशा करूंगा ये आपको एक या दो बार देखने के बाद ये तीनों विधियां बड़े अच्छे समझ में आ जाएंगी। नहीं आती हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, अच्छी आती हैं तब भी बताएं, और नहीं आती हैं, कहां नहीं आती हैं ये अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।